अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू? आई होप कि ऑल ऑफ़ यू आर फाइन, ऑल ऑफ़ यू आर गुड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ईडियम नंबर 11, एंड ईडियम नंबर 11 इज़ वेरी स्वीट एंड वेरी डिलीशियस। जी, तो आज का हमारा ईडियम है अ पीस ऑफ केक। लेकिन अगर आपको बेकरी आइटम्स माना है तो वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये वो वाला पीस ऑफ केक नहीं है। अ पीस ऑफ केक मीन्स आसान काम। उर्दू में इसका मानी क्या होगा? आसान काम, जो हमें करने में बहुत ही इजी फील हो। तो इंग्लिश में हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? एन ईजी टास्क, आसान काम, समथिंग विच इज़ वेरी ईजी टू डू, कुछ ऐसा काम जो करने में बहुत ही आसान हो। तो जैसे कि अ पीस ऑफ केक जो है उसको खाना कितना ईजी है ना, इसी तरह जो काम करने में आसान हो तो उसको आप कहेंगे कि इट्स अ पीस ऑफ केक, और जो काम आप करने में इजी फील ना करें उसको आप कहेंगे कि इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे? मैथमेटिक्स इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। मैथमेटिक्स जो है ये आसान काम नहीं है। कुछ लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, फोबिया होता है कि वो देखते ही डर जाते हैं, तो वो कहेंगे कि मैथमेटिक्स इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, मेरे लिए आसान काम नहीं है। और या हम कहेंगे कि डोंट वरी, सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज़ जस्ट पीस ऑफ केक, इस सवाल को हल करना तो बहुत ही आसान है, या मेरे दाएं हाथ का काम है। तो वो काम या वो चीज़ जो करने में आप बिल्कुल विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी आप उसको कर सकते हैं, तो दैट्स अ पीस ऑफ केक। उम्मीद है कि आपको आज का आइडियम समझ आ गया होगा, इसके मानी क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं, और सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आप कमेंट बॉक्स में सेंटेंसेस लिख दिया करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच।